Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. That blushy girl is here, and in today's video I'm going to share you this beautiful red smoky eyes on the occasion of these, and I'm so stunning in this look. And this whole look gives me a royal princess wali look, and I'm just love this look so much. And आप भी मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके. एंड बेसिकली आई जस्ट डिड रॉयल महारानी वाला लुक इस वीडियो में. ऐसा कुछ इरादा नहीं था, बट या इट्स टर्न आउट सो वेल. एंड बेसिकली आई डिड दिस ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन वाला स्मोकी आईज. एंड यू ऑल गाइस नो कि ब्लैक के साथ रेड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है. एंड द लिप शेड इज लाइक स्टनिंग. मैंने 3 लिपस्टिक यूज़ करके इस लिप शेड को क्रिएट किया है. सो एज़ यू नो फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर्स एंड आई स्टार्टेड ऑलरेडी. बहुत सारे मैंने फेस्टिवल वाले मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना मेरे चैनल. तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्रॉक्स का स्नेल इनिशियल लगाऊंगी एज अ सीरम. ये काम काफ़ी अच्छा करता है. एंड जस्ट डैब डैब मोशन में आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है. एंड जस्ट इट यू विल सी द विजिबल ब्राइटनेस इन योर फेस. एंड आई एम यूजिंग प्राइमर के लिए. मैं यहाँ पे पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा प्राइमर है. एंड फॉर माई पिगमेंटेशन एंड लिटिल बिट मैं को डार्क सर्कल्स आ गए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज और येलो का मिक्स करके थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स उनको हाइड कर दे रही हूँ. और थोड़ी पिगमेंटेशन है माउथ के अराउंड में, वहाँ पे भी. एंड मेरे को रेडनेस है थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर का कलर करेक्टर यूज़ करके अपनी रेडनेस को भी यहाँ पे हाइड कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा है. इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट है, प्लस अफोर्डेबल भी है. ओके उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करी फाउंडेशन. उसके लिए मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, और इसको मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रही हूँ. यस एंड डॉटर फॉर्मेस को मैं लगा ले रही अपने पूरे फेस. एंड नेवर फॉरगेट योर नेक. और मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ. और मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा घटिया हो चुका है, क्योंकि मुझे जुकाम हो चुकी है बहुत जोर से. ब्लेंडिंग इज़ अ की ऑफ मेकअप. जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेस एंड बेस के लिए तो काफ़ी अच्छा ब्लेंडिंग है. तो इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से करना. उसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड का कंसीलर ले रही हूँ. ये कंसीलर काफ़ी बेकार है सच में. ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो ब्लेंड नहीं होता अच्छे से. देन आपको सेटिंग्स पर लगा के तब ब्लेंड करना पड़ता है. मैंने भी वैसे ही किया. उसके बाद मैं अपने डुअल स्टिक ले रही हूँ ब्लू हेवन का, तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ. मैंने न्यूज़ ट्रिक्स देखा था, उससे मैं कंट्रोल कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा है ये कंट्रोलिंग हैक. प्लस मैंने अपने डबल चिन को भी हाइड किया है. एंड ये वाला जो कंट्रोल हैक था ना, वो जिसके राउंड एंड फ्लफी चिक्स है उसके लिए है, थिन चिक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है. देन यहाँ पे मैं करूँगी अपने नोज़ को कंटूर. उसके लिए मैंने हैक देखा था कि बीच में कंसीलर एंड साइड में कंटूर लगा के अपने ब्रश फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से अपने नोज़ को शार्प कर सकते हो. एंड ये हैक भी काफ़ी अच्छा काम कर गया. उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम आई लुक. आई लुक के लिए सबसे पहले हम करेंगे आईब्रोज़ को फिल. वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं रह पड़ती, बट फिर भी मेरे सामने का मैं सोचती हूँ थोड़े अच्छे से फिल कर देती हूँ. स्विस बेरी का आईब्रो पेंसिल काफ़ी अच्छा शेड है इसका, ब्राउन डार्क ब्राउन शेड है. हमेशा डार्क ब्राउन वाले ही चूज़ किया करो अपने आईब्रो पेंसिल. एंड उसका जो सामने का है ब्रश टाइप का, उससे मैं कॉम कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक शेप मिल जाता है अपने आईब्रोज के लिए. फाइनली अब हम करेंगे आई लुक को क्रिएट. उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल ले रही हूँ. काफ़ी अच्छा जेट ब्लैक काजल है. एंड उसको मैं स्मच कर लूँगी अच्छे से एक ब्राउन आई शेडो की हेल्प से. ये ऑप्शनल है कि आप ब्राउन आई शेडो की हेल्प से ब्लेंड करना चाहो तो, वरना ऐसे भी ये अच्छे से स्मच आउट हो जाता है. देन एक रेड शेड लेना है आपको, और उसको अच्छे से हाफ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है. जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ये दोनों कलर मिक्स हो गए, एक उतना अच्छा वाइब्रेंट देगा ना आपके ये आई लुक में. एंड यू विल जस्ट लव दिस वाइब्रेंट. आप देख सकते हो कितना अच्छा स्मोकी लग रहा है मेरा ये आई लुक. बट अभी बाकी है वैसे पिक्चर, सो लेट्स कंटिन्यू. एंड वही सेम ब्रश मैंने नीचे भी लगा लिया. एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ग्लिटर जो है 7Cs का. काफ़ी अच्छा ग्लिटर पैलेट है, उसमें सारे कलर अवेलेबल है. तो मैं इसका रेड शेड लूँगी
एंड मैं रेड आई शेडो जहाँ मैं स्मच किया है मैंने वहीं पे लगाऊंगी मैं, एंड अच्छे से मैं इसको फैला दूंगी। आप चाहो तो आई लैशेस ग्लू लगा के देन ग्लिटर लगा सकते हो, उससे ज़्यादा तो अगर ये स्टे करेगा। उसके बाद एकदम सा लाइट शेड लेना है जो आई लुक क्रिएट किए हैं उसके कोई भी हार्श लाइन ना रहा है, इसलिए अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल करके मैंने सीएसबीडी का फेक लैशेस लगा लिया, काफ़ी अच्छा है ये फेक लैशेस। उसके बाद ना ब्लश कभी भी आप डायरेक्ट नहीं लगाना, हमेशा अपने हैंड में लगा के देन ब्रश की हेल्प से लगाना, काफ़ी अच्छा नेचुरल एंड अच्छा फिनिश आपको प्रोवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू हैंड का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश, क्योंकि एक ज़्यादा ही ब्राइट कलर है इसलिए मैं एज अ ब्लश इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद सेम डुअल स्टिक जो मैंने कंटूर किया था उसका ही ये हाइलाइटर है, अलग दूसरा पार्ट है। तो हाइलाइटर है ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए, तो मैंने चिक बोन, नोज़, चिन, फोर हेड सब में लगाया। एंड ये ना इजी ब्लेंड हो जाता है, मैं इसको फिंगर से ब्लेंड प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत ईजिली एंड कुछ सेकंड में ही ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसको ब्रश से आप ब्लेंड ना करो तो ही बेटर होगा। एंड मैं अच्छे से सबको ब्लेंड कर लिया मैंने, एंड काफ़ी अच्छा मेरा शाइनी लग रहा है मेरा फेस। फेस्टिव सीजन में हाइलाइटर लगाना इस मस्ट, एंड तीज के मौसम में तो और भी, क्योंकि ये शाम का फेस्टिवल रहता है, शाम को पूजा करना होता है तो हाइलाइट थोड़ा होना ही चाहिए हमारा फेस। एंड मैं आईब्रो बोन में भी हाइलाइटर लगा देती हूँ ताकि मेरे आई लुक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट करे। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे दो शेड लिया है, एज यू गाइस सी दिस ब्यूटीफुल तीज वाली मेकअप लुक जो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है, एंड न्यूली वेड के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लुक ये मैंने क्रिएट कर दिया है। एंड एज अ ब्राइड भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो, एज अ सेल्फ ब्राइड आप खुद से मेकअप करना चाहते हो तो ये लुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है आपका एंड ईजिली क्रिएट हो जाता है, एंड इट लुक सो स्टनिंग यार, सच में न्यूली वेड के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है ये मेकअप लुक। एंड प्लस न्यूली वेड नहीं हो फिर भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तीज में हम एकदम दुल्हन की तरह रेडी होते हैं तो उसके लिए काफ़ी परफेक्ट है। एंड होप यू ज़्यादा वीडियो यहाँ तक आया तो चैनल को सब्सक्राइब किया मेरा मत जाना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है। एंड जाते जाते लाइक कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे गॉर्जियस, बाय गाइस।